सभी उपस्थित जनों को नमन करते हुए चार पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ कि कुछ होते हैं शैतान, कुछ होते हैं शैतान जो चबा जाते हैं मनुष्यता को, प्रेम को और बेटियों को भी। कुछ होते हैं शैतान जो चबा जाते हैं मनुष्यता को, प्रेम को और बेटियों को भी। इनकी आंखें देखती हैं उभार, इनकी आंखें देखती हैं उभार, भूल कर इनकी आंखें देखती हैं उभार स्तनों के, भूल कर शैशवावस्था के एहसानों को इनकी आंखें देखती हैं। ये शैतान इन्होंने छला है, इन्होंने छला है गुड़ियों को, मासूमों को, राजकुमारियों को और समर्पण को भी। इन्हें बोध नहीं है, इन्हें बोध नहीं है माता का, पुत्री का, बहन का और प्रेमिका का भी। और अंतिम पंक्तियां हैं, ये दोषी हैं, ये शैतान दोषी हैं प्रियंका के, काजल के, निर्भया के, मनीषा के और समाज के भी। और जिस काम के लिए अब मैं जाना जाता हूँ वो काम मैं चालू करता हूँ। देखिए हमारी और आपकी जीवन में क्या है संघर्ष, क्या है संघर्ष, क्या है संघर्ष, जो है स्ट्रगल जो है वो हमारी आपकी प्रतिज्ञाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल, हमारी जो आपकी प्रतिज्ञाएं हैं उन्हीं का संगत। एक सीन दे रहा हूं, उधर महाभारत के युद्ध में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लिए हुए हैं और एक तरफ महारथी कर्ण अकेले है। मैंने जब तो टीवी पर महाभारत चली लॉकडाउन में वो सीन देखा तो चार पंक्तियां लिखी कि कौन लड़ रहा था उस समय। मेरे पूरे घर वालों को दिखाई पड़ा कि कर्ण एक तरफ है, भगवान श्री कृष्ण एक तरफ हैं। और अगर महाभारत का असली हीरो कौन है और सबकी प्रतिज्ञाओं के लिए सब लोग अपने लड़ रहे हैं, तो कहा संबंध क्या है मेरा और प्रियांशु भाई से। ये संबंध पहली दो पंक्तियों में देखिए कि धनुर्धर श्रेष्ठ होना पार्थ का प्रण है। प्रतिज्ञाएं लड़ रही हैं, अगर उन्होंने प्रतिज्ञाएं न ली होती तो युद्ध न होता। सब अपनी प्रतिज्ञाओं को साबित करने में लगे हैं कि धनुर्धर श्रेष्ठ होना पार्थ का प्रण है, राधे मित्र है परमार्थ का प्रण है। धनुर्धर श्रेष्ठ होना पार्थ का प्रण है, राधे मित्र है परमार्थ का प्रण है। और ओनली वन कैरेक्टर इन द महाभारत, कौन? धनुर्धर श्रेष्ठ होना पार्थ का प्रण है, राधे मित्र है परमार्थ का प्रण है। और कृष्ण जिनसे सिद्धियां ही सिद्ध सारी। धनुर्धर श्रेष्ठ होना पार्थ का प्रण है, राधे मित्र है परमार्थ का प्रण है। कृष्ण जिनसे सिद्धियां ही सिद्ध सारी, महाभारत उन्हीं सिद्धार्थ का प्रण है, महाभारत उन्हीं सिद्धार्थ का प्रण है। और अपनी प्रियांशु भाई ने जो कविता कही है उसकी मैं भूमिका न बनाते हुए सीधे ऐसे बताता हूँ, वो शहीदों को समर्पित कविता है, वो कविता अपनी भूमिका स्वयं बनाएगी कि हिमनदों में पौरुष की प्रचंडतम अगिल ले करते हैं। विरोधाभास अलंकार देखिए, बर्फ में जो आग है, हिमनदों में पौरुष की प्रचंडतम अगिल ले चलते हैं। आइए 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 जनाब, आपको सियाचिन ले चलते हैं। कविता की भूमिका की पंक्तियां हैं कि हिमनदों में पौरुष की प्रचंडतम अगिल ले चलते हैं, आइए जनाब आपको सियाचिन ले चलते हैं। अब देखिए सियाचिन क्या है, आइए जनाब आपको सियाचिन ले चलते हैं। कहने को तो है सियाचिन सर्वोच्च हिमानी भारत की, भारत का, इंडिया का सबसे ऊंचा रण स्थल है।
कहने को तो है सियाचिन सर्वोच्च हिमानी भारत की, लेकिन वहां क्या है? कहने को तो है सियाचिन सर्वोच्च हिमानी भारत की, पर क्या है ज्ञात तुम्हें? सियाचिन में खड़ी जवानी भारत की। सियाचिन में खड़ी जवानी भारत की, सियाचिन वही जो अहिंसा के पादप को झिंगन करती है, सियाचिन में मृत्यु। कैफी आदमी ने मिसरा लगाया कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, और फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब उसका हिंदी अनुवाद देखिए, गीत का ट्रांसलेट कविता में देखिए। कहने को तो है सियाचिन सर्वोच्च हिमानी भारत की, पर क्या है ज्ञात तुम्हें? सियाचिन में खड़ी जवानी भारत की, सियाचिन वही जो अहिंसा के पादप को झिंगन करती है, सियाचिन में मृत्यु जीवन का आलिंगन करती है, सियाचिन में मृत्यु जीवन का आलिंगन करती है। जहां कदम कदम पर खतरे हैं, आदमखोर हवाएं चलती हैं, वहां भी देश प्रेम से ओतप्रोत आजाद मसाले जलती हैं। जहां ठंडक से जमने की पीड़ा प्रतिपल ही दहलाती है, जहां ठंडक से जमने की पीड़ा प्रतिपल ही दहलाती है, अमल धवल सी वो मिट्टी फिर सियाचिन कहलाती है, अमल धवल सी वो मिट्टी फिर सियाचिन कहलाती है। अपना कर्तव्य निभाने को कौन सैनिक, उस सिपाही को ये नहीं पता है कि कब उसकी जीवन का जो जश्न है वो मौत के मातम में बदल जाएगा, उल्लास कब मातम में बदल जाए उसको नहीं पता है। तब लाइनें लिखी कि अपना कर्तव्य निभाने को जो मातम उल्लास समेटे हैं, वहां पर जश्न और मातम साथ में चलता है। अपना कर्तव्य निभाने को जो मातम उल्लास समेटे हैं, वो नाहर वीर सिपाही हैं, भारत माता के बेटे हैं, भारत माता के बेटे हैं। अंबर हिमकड़ बरसाता है, धरती पर बर्फीली चादर है। मौसम देखिए, मानसून अंबर हिमकड़ बरसाता है, धरती पर बर्फीली चादर है। उधर दुश्मन की गोली है, पीछे अपमान निरादर है, उधर दुश्मन की गोली है, पीछे अपमान निरादर है। और विज्ञान मानती, विज्ञान के विद्यार्थी जो होंगे वो समझते होंगे, विज्ञान मानती मानती है जब हम ऊपर यानी पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, समुद्र तल से ऊपर जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी सुनने की शक्ति जो है कम हो जाती है। उन सैनिकों के साथ क्या होता है? श्रवण शक्ति कम होती है, सांसें थमती हैं, श्रवण शक्ति कम होती है, सांसें थमती हैं, किंचित उच्छ्वास नहीं आता। फिर भी कुछ कपटी कायर लोलुप लोगों को सेना पर विश्वास नहीं आता। कैसे हैं वो लोग, कौन हैं, उनकी पहचान मैं बताता हूं। उनका काम है यही, उनका काम क्या है? उनका काम है किसी बुरी बात का प्रचार करके अपने आप को पीछे कर लेना। श्रवण शक्ति का यानी श्रवण शक्ति कम होती है, सांसें थमती हैं, किंचित उच्छ्वास नहीं आता। फिर भी कुछ कपटी कायर लोलुप लोगों को सेना पर विश्वास नहीं आता। और वे राजभोग के भोगी हैं, वे राजयोग के भोगी हैं, सेना पर शंकित होते हैं और पौरुष पर प्रश्न उठाते हैं, फिर निपट महल में सोते हैं। पौरुष पर प्रश्न उठाते हैं, फिर निपट महल में सोते हैं। सर हैं इधर, अगर कविता अगली लाइन में हो गई हो तो बताना कि पौरुष पर प्रश्न उठाते हैं, फिर निपट महल में सोते हैं। जो स्वयं नमक के ढीले हों, बेदर्द दवाएं क्या जाने, उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। जो स्वयं नमक के ढीले हों, बेदर्द दवाएं क्या जाने, जो बंद पुलिंदों के गुड्डे वे सर्द हवाएं क्या जाने। वीर रस सिर्फ चीखने से नहीं होता है, अगर कविता में वीर भाव है तभी कविता वीर रस की मानी जाएगी। नहीं, वीर रस सिर्फ चिल्लाने से तो हम भी कह सकते हैं कि आज हमारी पत्नी ने हमें मारा। लेकिन हमने भी किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा, वीरता है कि नहीं? प्रियांशु बोला, गुरु इसका क्या कारण है? हमने कहा, भैया ये वीर रस का उदाहरण है। तो बताया गया क्या,
जो बंद पुलिंदों के गुड्डे वे सर्द हवाएं क्या जाने, और अंतिम चार पंक्तियां, हम किस लिए काम करते हैं, हम सभी लोग यानी अपनी अपनी किसी जगह पे काम करते, हमारे काम में करने में और सैनिक के काम करने में अंतर कितना है, सिर्फ एक मात्रा का अंतर है, हम लोग हैं वेतन के लिए काम करते हैं लेकिन हमारा सैनिक वतन के लिए काम करता है। तो बताया गया बड़ी विडंबना है, भारत के वीरों को सच्चा सम्मान नहीं दे पाए हम, बड़ी विडंबना है भारत के वीरों को सच्चा सम्मान नहीं दे पाए हम, खड़े खड़े जाते ट्रेनों में स्थान नहीं दे पाए हम, खड़े खड़े जाते ट्रेनों में स्थान नहीं दे पाए हम, और अंतिम पंक्तियां के शतबार नमन उन वीरों को, शतबार नमन उन वीरों को जो हिमकड़ों का कलेवा करते हैं, ड्यूटी करना उनको ना आया, वो तो बस माता की सेवा करते हैं।